दोस्तों आज हम लोग बच्चों के बीच आए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों के बीच आना, उनके साथ थोड़ा सा बोलना चलना, क्योंकि बच्चे जो हैं भगवान का रूप माने जाते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वितरण भी किया है यहाँ पे, और अभी तो हम लोगों ने ये स्टार्ट ही किया है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा मन था कि बच्चों को जो ज़रूरतमंद है, जो सहायता चाहिए, उन लोगों को थोड़ा सा मदद किया जाए। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने जो है बिस्किट, पेन और कापी थोड़ा सा वितरण किया है बच्चों को। और उसके बाद सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों आज हम एक आए हैं आंगनवाड़ी केंद्र पे, जहाँ पे हम बच्चों में कुछ पेन और कॉपी वितरित करेंगे साथियों, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें हैं, मूल ज़रूरत है उनकी, हम उनको देंगे। साथियों जानते हैं कि बच्चे जो है प्रारंभिक बच्चे हैं, ये इनका मस्तिष्क जो है बहुत ही अभी उभरा हुआ नहीं होता साथियों। तो इस मस्तिष्क में यदि आप अच्छे विचार देंगे, उनको अच्छी प्रेरणा देंगे, तो वे अच्छी चीज़ों के लिए उत्साहित होंगे। और यदि बुराई, गलत चीज़ें उनके मन में भरेंगी साथियों, तो वो गलत चीज़ों को ही ऑब्जर्व करेंगे। तो इस विषय पे भी हम लोग उन्हें चर्चा करके जो है वितरण किया है, क्योंकि इतने वर्षों के अनुभव में मैंने एक चीज़ तो सीखी है साथियों, कि संसाधनों के अभाव में ही नकारात्मकता जन्म लेती है। जहाँ संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ पर सतत विकास का कार्य होता है। यदि आप भी सक्षम हैं तो कुछ ज़रूरतमंदों की मदद जरूर करें साथियों, इससे आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी साथियों। और जानते हैं एक कहावत है कि बच्चों को मदद करना, गरीबों की मदद करना, असहाय की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया। आज आप विश्व में देखेंगे तो बहुत सारे एनजीओ और अन्य संस्थाएं जो हैं मदद गरीबों तक पहुंचा रही हैं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं साथियों। मैं अपनी बात करें तो मुझे बच्चों के साथ रहना, उनके साथ बोलना, घुलना, मिलना और ख़ासकर बुज़ुर्गों के साथ तो मुझे और भी अच्छा लगता है साथियों। तो मैं इनके बीच बैठता हूँ और बुज़ुर्गों की कहावत तो मुझे बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन रहता है, पूरा अनुभव रहता है, उसका सार एक निचोड़ मुझे एक जगह से मिलता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा उनके मध्य रहना पसंद करता हूँ। और अनुभवी लोग होते हैं तो उनसे बात करने का तो एक अलग ही स्तर होता है। तो इस तरह की मदद हम आगे भी सेवा कार्य करते रहेंगे साथियों, इसके लिए आप लोगों का सहयोग जरूरी है। मैं साथियों आप लोगों से इसलिए भी जुड़ना चाहता था क्योंकि बच्चों को विशेष तरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका बचपन अभी ये 3 से 7 साल के अंदर तक के बच्चे हैं, तो इनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना हमारा दायित्व है। इसी क्रम में हम लोगों ने आगे भी बढ़े हैं साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा साथियों। और यदि हमारा ये कार्य अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा YouTube भी चैनल चलता है साथियों। हम इसी प्रकार से लोगों की जगह जगह भी जाके मदद करते हैं, और हमारा YouTube परिवार जो है 1000 होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पे आए, अगर नए हैं साथियों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को जरूर करिएगा। और यहाँ पे दिव्यांशु जी, अनुराग त्रिपाठी जी और चंदन जी का विशेष सहयोग रहा है, जिसके कारण ये कार्यक्रम जो है सफल रूप से, सुचारू रूप से हो पाया है। तो हम उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने बच्चों को वितरण किया और कुछ पूछा भी कि कैसा लगा आप लोगों को, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा लगा, ये सब चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नई हैं। तो हमने कहा कि हम ऐसी मदद, ऐसी सहायता आप लोगों को फिर कभी न कभी लेके आएंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और देखिए मैं बच्चों से मैं पूछ भी रहा हूँ कि कैसा लगा आप लोगों, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा और बिस्किट मिलाया जो, वो तो कह रहे थे कि और मिलेगा, हमने कहा बिल्कुल मिलेगा। तो एक एक और हमने आगे भी हम ये चीज़ करते रहेंगे दोस्तों, लेकिन अभी हम लोगों का शुरुआत है अनुराग त्रिपाठी जी के सहयोग से, चंदन जी के सहयोग से, और सबसे मुख्य हमारे दिव्यांशु जी और मैडम जी हैं, इनका विशेष सहयोग रहा है इस कार्यक्रम के लिए। तो हम लोगों ने एक करा है, आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे दोस्तों। यदि आप सक्षम हैं किसी प्रकार की किसी की सहायता के लिए, तो गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, बच्चों की सहायता मदद जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है, भविष्य में चल के हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो हमने उनकी पहल एक स्टार्ट करी है साथियों, इस कार्य को हम आगे भी जारी रखेंगे दोस्तों। मुझे बच्चों की शरारत, बच्चों के बीच बैठना अच्छा लगता है, और बुज़ुर्गों की कहावतें साथियों मुझे बहुत पसंद आती हैं, तो इस कारण से भी मेरा रुचि था इस चीज़ में। तो मैं लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारा अपना सहयोग बनाए रखिएगा। हम इस चीज़ को और बड़े पैमाने पर करेंगे साथियों, इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है हम लोगों को।